अगर इंडिया को जिताना है तो खिलाड़ियों के लिए एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी खोलो, विद्यालय खोलो। सर अभी वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ, और उस मैच में जब अंतिम दौर चल रहा था तो पूरे देश भर के जितने भी थे अंधविश्वासी लोग थे, और जो अपने अपने को बोलते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं, और उन लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा, टेलीविजन ने खूब कास्टिंग किया इस चीज़ों को कि इंडिया को जो है से जीत रहा है और हम लोग उसके लिए हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और मनौती कर रहे हैं और जीतेगा इंडिया, भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी जो है से विफल हो गया, और उसको लेकर के सर क्या कहेंगे? इसमें जो है भारत में जितने भी मनुवादी लोग हैं, ये लोग एक तरफ जो है देश के जनता को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जो भी देश का विकास होगा, विकास हो रहा है, जो काल्पनिक देवी देवताओं के आश्रय हो रहा है और होगा। एक तरफ देखिए राम मंदिर का उद्घाटन का पूरी तैयारी हो रहा है, लेकिन ये जितने भी इन मनुवादी लोग हैं, जिन लोग साबित करने में लगे हुए थे कि हमारे देश में जितने भी पत्थल के देवी देवता हैं, जिसको हम देवी देवता मानते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का मैच जिताने में हमें मदद करेंगे और इंडिया जीतेगा, और सारे मनुवादियों ने देश को इंडिया में हवन कराया, पूजा पाठ कराया, अरे और तो और स्टेडियम में हनुमान चालीसा का पाठ कराया, और इस सभी देवी देवताओं ने भारत के साथ गद्दारी करने का काम किया है, सीधा मतलब भाषा में ये आप समझ सकते हैं, और खाया भारत का, पूजा पाठ लिया भारतवासी से, और काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि इन सभी देवता और देवी ने भारतवर्ष के लिए देशद्रोही है, और ऐसे देशद्रोहियों को जो खाता है भारत को और जिताता है ऑस्ट्रेलिया को, ऐसे देवी देवताओं को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। और पूरे देश के जनता का मांग है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अभी ये लोग कह रहा है कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, अब हमें इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों का भेद खुल चुका है, और पूरे भारतवर्ष के जनता का डिमांड है कि अब हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें कोई मंदिर नहीं चाहिए। अगर इंडिया को जिताना है तो खिलाड़ियों के लिए एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी खोलो, विद्यालय खोलो, हॉस्पिटल खोलो, अब हम लोगों को मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदिर का देवी देवता जो है वो देशद्रोही हो चुके हैं, खाते हैं भारत का और जिताते हैं ऑस्ट्रेलिया का। एक सवाल और सर, जब दीपावली मनाया जा रहा था पूरे देश भर में, तो अयोध्या में योगी सरकार के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे दीप जलाने का काम किया गया है, और कुछ बच्चे और जो गरीब लोग थे तेल जो है से मतलब चुनते हुए, मतलब वो दिया जो होता है उस दिया में से तेल निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो रुपया खर्च हो रहा है उन तमाम पूजा पाठ और डेकोरेशन में दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, लेकिन गरीबी आज भी उतना ही है जितना कल था, क्या कहेंगे सर इस पर? मैं तो पहले भी बोला कि आस्था का विषय नहीं है, ये व्यवस्था का विषय है, और ये मनुवादियों का व्यवस्था है कि गरीबों, पिछड़ों, सोचतों, दलितों को और गरीब बनाना है, और गरीब बनाने के लिए ही ये सारे धर्मों का निर्माण जो है मनुवादियों ने करने का काम किया है। और हमारे देश के लोगों को जो है धर्म तो चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। धर्म होता है जो मनुष्यों के लिए होता है, न कि मनुष्य धर्म के लिए होता है। इसमें ये लोग जो कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और हमारे देश को
2500 वर्ष पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मनु स्मृति लागू था, हमारे देश के सभी युवा को शिक्षा से ये फिर से वंचित करना चाह रहे हैं और देश को मनुवादियों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब देश के बहुजन जाग चुका है, 24 में नरेंद्र मोदी आने नहीं जा रहे हैं, ये देश की पूरा बहुजन समझ चुका है। अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो मनु स्मृति लागू हो जाएगा और संविधान हट जाएगा, और संविधान में वही अधिकार है कि महिला की 90% के लोग जो हैं सभी शूद्र हैं, और महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। उसी दिशा में लोग देश को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट जो है जी, भारत के प्रधानमंत्री को पनौती साबित किया, और देश के मनुवादियों का भी जो है, जो बहुजन समाज के लोगों पर जो आंख पर पर्दा था, वो पर्दा हटाने का काम किया, और बहुजन जाग चुका है, बहुजन जागेगा और मनुवादी भागेगा। सर एक सवाल और है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक छोटा सा बयान दिया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुआ, और जो 75% रिजर्वेशन बिहार में नीतीश कुमार ने लागू करके पूरे देश को एक नया संदेश दिया है कि ओबीसी दलित पिछड़ा तमाम लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, तो सर इस पे क्या कहेंगे? पूरा उनको बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा हुआ, लेकिन ये 75% जो रिजर्वेशन मिला इस पे कोई चर्चा मीडिया में नहीं दिखाई दिया, इस पे कोई चर्चा लोगों ने नहीं करते हुए किसी दलित पिछड़े जो वंचित लोग थे उन लोगों का हक अधिकार मिल रहा है बिहार में, इस पे कोई चर्चा नहीं नजर आया, सर क्या कहेंगे? ये लोग नहीं करेंगे ना, देखिए इन लोगों का यही चाल चरित्र है। अगर नीतीश कुमार जी ने जो बात कहा है वो सेक्स एजुकेशन का बात कहा है, जो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा हमारे बिहार में के बच्चे बच्चियों को इस सरल भाषा में समझाने का काम किया है। और जिन लोग नारी समान का बात करता है कि नारी का अपमान हो गया, बिहार की बेटियों का अपमान हो गया, अगर ये अपमान है तो हथरस में दलित की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और रातों रात जिंदा जला दिया, उस बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो क्या है? अगर इन लोगों के नारी समान इतना ही इन लोगों के अंदर है तो मणिपुर में बच्चियों को नंगा दौड़ाया रोड पर इन्हीं लोगों ने, वो क्या है? अगर नारी समान इतना ही उमड़ रहा है तो पूरे भारतवर्ष के नारियों को इन लोग शिक्षा से वंचित क्यों रखा, और सावित्री बाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले कौन लोग थे? देखिए वही लोग हैं जो 10% के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही लोग नीतीश कुमार को गलत ठहरा रहे हैं। नहीं तो 90% के जो समाजवादी लोग हैं, नीतीश कुमार जी ने जो 75% आरक्षण देने का काम किया है, और जो बिहार के गरीबों को 94 लाख गरीब को जिनके पास रोजगार नहीं है, दो दो लाख रुपया देने का जो घोषणा किए हैं, ये बात मनुवादियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और ये बात जनता के बीच में न जाए उसको लेकर के इस बात को लोग उछाल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।